मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इसके अलावा आरिफ मसूद के उल्टे झंडे वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वह मीडिया में बने रहने के लिए फोटो छप जाने की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें देश के मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है, उसी से पीड़ित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर्तियां शुरू कर दी गई है। वहीं जबलपुर डीन के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। आरिफ मसूद जी कितना देश का सम्मान करते आए हैं और कितना तिरंगे का सम्मान करते आए, ये हम सबको मालूम है। मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए और फोटो छप जाए और न्यूज छप जाए, इसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में यदि आरिफ मसूद जी देश के मान और सम्मान की बात करें तो ज्यादा ठीक। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं से जुड़े हुए सभी प्रकल्पों, चाहे वो जिला अस्पताल हो, नीचे के और हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेडिकल कॉलेज हो, उन सब में पूरी तरह से जो भी युक्तियुक्तकरण करते हुए भर्तियां करना, उसका काम चल रहा है। चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, उस पर समस्त स्थिति में कार्य हम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है और जिस जहाज में कैप्टन का पता ना हो, उस जहाज में यात्री कैसे चल सकेंगे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया और खासकर राहुल गांधी ने एक सीरीज चलाई है इस देश की महिला और महिला समाज के अपमान करने की, उसी से मुझे लगता है कि पीड़ित होकर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दिया है।